नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.05% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसके साथ देख सकते हो स्टॉक में यहाँ पर डोजी कैंडल बन रहा है और स्टॉक यहाँ पर पिछले दो दिन से लगातार डोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में गिरावट आएगा या तेजी आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें दोस्तों। नोटिस कर सकते हो एनटीपीसी शेयर स्टॉक अप एक्जैक्टली हायर है बनाकर यहाँ पर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक अप एक्जैक्टली एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी तरह देखेंगे स्टॉक बार बार अपना ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहे हैं और अपना प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 391 का लेवल को ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने हाई लगा, देख सकते हो आपके सामने 442 का। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पे हायर है बना रहे, तो संभावना बिल्कुल हाई है कि इस लेवल जो 445 का लेवल उसको भी स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल आपके सामने रहेगा 409 रुपये का और ऊपर के साइड में अगला रेजिस्टेंस लाइन रहेगा 448 रुपये 50 पैसे में। तो जब भी आप देखेंगे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में डेफिनेटली तेजी आएगा। तो अगर हम बात करेंगे टारगेट के किस लेवल के ऊपर हमारे लिए क्या क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला टारगेट आपके सामने 473 या 474 में रहेगा, दूसरा टारगेट आपके सामने 514 में रहेगा, तीसरा टारगेट आपके सामने 555 या 554 में रहेगा और चौथा टारगेट हमारे सामने रहेगा 580 का। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।